बकचोद है, बहुत सारे दोस्त अपने बकचोद हैं, ठीक है, पंडित जी हो गए, सौरभ हो गए, ये बकचोद ही अपने, ठीक है। हाँ तो मैं बचपन तक बकचोद हूँ, मैंने पता ही चलिया जब मैं कॉमेडी करने गया, मैंने नहीं पता था बकचोद ने कॉमेडियन कह दिया करे, तो आज मैंने पता चला कि कॉमेडियन की वैल्यू है कॉमेडी ना की। भाई साहब मैं यो बकचोद आई लिया पहला बन जाता, मैंने नुबे इतनी छोरी सेट होंगी तेरे बकचोद बने पीछे। हाँ 30, 35, 40 तक अपने पास ऑफर आते हैं, ये हाई बताया मैंने आपको, बाकी 16 चालू हो गया है, अड़के मत लिए, बेसक डैडी लंबी रखता हूँ, चिकनी छोरी हाँ। एक नो लिया पहला तो उसने मैं तबाही कही, अच्छा भैया आप ना बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हो, मैंने रिप्लाई ना दिया। फिर उसको अगले दिन हाय मगर जहाँ ने तू आए, अगले दिन फिर हेलो गुड मॉर्निंग, भाई उसने नू बोलिए जब बात बोली रिप्लाई ना दे रहा, हेलो जानू ईब देना बनागा भाई साहब, मैंने उस तक बात करी मगा हाँ जी ने ये बड़ा मैसेज कर दिया तने, मगा मरगी रांड खटाई बना तू भी ऐसी इज्जत जानू पाएगी है, मन उस तैयार बात ना कही था ना भैया भी कह है, मगा खुद भूल गई होगी, मैं सही भूल गई, बढ़िया आ गया कि इतने दिन मतलब मौका लग गया है। तो हमने क्या कर उस तक बात करी फोन पे, मगा और कैसे हो, मैं ठीक हूँ, स्टार्टिंग में यही दो तीन चीज चला कर रहा है, खाना खा लिया, हाँ मैंने खा लिया, पर उसके लाड बड़े प्यारे थे यार बच्चों की तरह। अच्छा। भाई साहब मैं थोड़ा सा मूड खराब था, तो मैं बोला मगा बाद में बात करूँगा, मूड खराब है मेरा, फोन मत करें, मैं उधर है, क्या हो गया मेरे बेबी को, मूड खराब है मेरे बेबी का, ओले मेरा बच्चा, ओले ले ले ले। मैं रोन हो लगे मगा भूख लग रही मने, थम समझो ना छोटे बालक ने भूख लग गई पीछे, तो मैंने सोचा मन भी कुछ खान पीने मिल लगा, मेरी छी इतनी दूर से ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मगा यार मूड खराब, तू दिमाग ना खराब करे, मैं आपके पास आ जाऊं, मैं मसाज कर दूंगी आपके बालों में, मगर रहने दे, मगर सब कुछ रोम रोम खड़ा हो चुके है आगात का, मगर तू मत आजिए बहन के खड़ा हो गाड़े, नहीं आना नली, नहीं यार मेरे बाबू का मूड खराब है, मगर भाई रोई रहा दिमाग की बेबे बहने एक ना करे, ठीक है बेबी का मूड खराब है, मैं क्या करेगी तू सर पर बैठेगी मेरे, बेबी गाली मत दो मुझे, बूंदा लगता है मुझे, मगर तू चाह वकी है, मैं तो चाहती हूँ बस मेरे बेबी का मूड अच्छा हो जाए, अच्छा बेबी चुनो ना, मगर हाँ यार मुझे किची दे दो, मगर योग क्यों कर दिया अगर इमनू बता दे, आमना तो लाई उम्मीद है भाई साहब मिल्क है खा जाऊँ उठा वो, ठीक है हाँ लाइव एक्सपीरियंस अच्छा होता है मेरे हिसाब से, पर लेकिन ना आजकल के मतलब नए नए प्यारा मैं सोखला चढ़ रहा, बेबी किच देना दे दो ना यार, माँ क्यों कर दिया रहा है, नहीं पहले मैं दे के दिखाती हूँ, मैं कहा हाँ तेरी बहन का दे दे रहे फिर दे दे, नहीं पहले आप दो, मन्ना ने बेहतर फोन पर किस देने का इतना मजा हुआ है, फिर उसने एक बोर दी, माँ जी आ गया, फिर तो मैं रोज लेने लग गया किस, तो नली बेबी आप भी दो ना, भाई मन ना किता हम देसी हैं भाई, हम लेना सब कुछ जाना देना ना सब देना नहीं आता हमने, क्योंकि लेने की तो हमारी 10वीं 8वीं क्लास में चालू हो गया है, ले लेते हम सब कुछ, अच्छे इंसान होते हम, तो मैंने किसी लिए देनी नहीं, फिर मैंने एक्सपीरियंस होगा किसी लेने का फोन पर, मतलब बड़ा मजा हुआ यार भाई, फिर अगले दिन फिर अगली का ड्रामा चालू, बेबी क्या कर ले हो, टट्टी बढ़ रहा हूँ टट्टी करने लग रहा हूँ, अच्छा इतनी लेट करते हो आप, इसकी बड़ी टट्टी करने का टाइम हो गया, मगर ये तो कद्दे आ जाए यार, नहीं यार मैं तो ना हमेशा ना उससे ही कर लेती हूँ, अरे भाई रोहित इतनी गंदी गंदी बात मत करे, छी यार
नली नहीं यार पता है मैं ना बिल्कुल वैसे ना अपने वॉशरूम को मगा तू चुप हो जा बकचोदी कर लग रही वो तो सारी हिस्ट्री बताने लग गई थी भाई साहब। वैसे एक चीज़ बताऊँ, लड़कियाँ बड़ी इन चीज़ें बहुत अच्छा मानता हूँ लड़की को मैं। लड़की कभी भी साफ सफाई के मामले में पीछे नहीं रहेगी, ठीक है। मारे बर गए भाई साहब मुतनी भी जाएंगे अड़ती दास लेंगे पैंट नहीं अब छोरी इसी लकड़ा का होगी कितनी नई नहीं जो गरीबे बनी है मारे भर गया था भाई छो जो एक एक तो एक बड़ी लेवल की बकचोद बहुत बड़ी बकचोद भाई। आपने एक चीज़ दिखाऊं दिखाऊं नहीं बताऊंगा सॉरी दिखा नहीं सकता उस चीज़ में। एक लड़की है भाई साहब उस लड़की को देख के कोई भी ये नहीं कह सकता वो लड़की कोई नॉर्मल फैमिली से कोई नॉर्मल फैमिली से होना कोई बुरी बात नहीं है अच्छी बात है पर लेकिन वो दिखाती स्टैंडर्ड भाई साहब। मन बाद में पता चला 2 महीने पास सरोजिनी से कपड़े लाती है वो सरोजिनी मार्केट सबसे सस्ती है दिल्ली की और है 50-50 रुपये में पैंट मंगा है हाँ सारी चीज़ लिया उन्होंने 200 रुपये ना पूरी पैक हो जाए वाह कंपनी की गोची की क्या क्या की चीज़ लिया उड़े थे मैं कहा सही है यार। और मेरे आगे अपना ना प्लॉट इतना बड़ा पता है आपने उत्तम नगर का मेट्रो स्टेशन देखा है मैं कहा देखा हमारे प्लॉट में ही है वो अरे बच्चो दे दिखा है सना कहा होगा एक मैं मेरे प्लॉट में है खरीद रखिए वाह नहीं हाँ वही तो कह रही हूँ मैं पहले हमारा था ना मगा ये गुस्से में ना जी काट दूंगा मक थारा था नोली हाँ यार हमारा था वो ना हमारा गवर्नमेंट ने ले लिया था अच्छा। सबसे बड़ी झूठ मेट्रो गवर्नमेंट में आती नहीं गवर्नमेंट वो तो कंपनी है यार वो तो नोली हाँ 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 वही 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 बकचोद दिल्ली की तो कोई बात ना भाई फिर कोई बात ना। वैसे ना पापा की ना अब तबीयत खराब रहने लगी नहीं तो पापा का बहुत बड़ा कारोबार था मगर अच्छा ऐसा क्या बना था पापा ना हमेशा जो आपने जहाज देखे हैं मगर देखे हैं टीवी में हम ना सिर्फ इतने देखे नहीं देखे भाई मैंने मान लो चीज़ ने मतलब जो जहाज के अंदर वो पंखड़ी होती है ना उन पर वेल्ड मेरे पापा करता था मगर उस इतना सस्ता काम मंगू था तुमको प्लॉट है हमारे फलाना है यू है वो है अरे पागल हो क्या 2-2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता था उनके साथ हमारा हो जहाज बनाने वाली की छोरी सेट होगी मेरा तो जचगी थी मेरा जचगी पूरी जचगी भाई साहब। एक दिन मैंने वीडियो कॉल करी अच्छा। वीडियो कॉल में कड़ी वाली छादी कछोरी चोद के की मैं अपने मामा के घर आ रखी हूँ मैं अच्छा पीछे तो उसकी माँ ने आवाज मारी भाई उसका नाम तो मैं खैर के लूँ नहीं लेना चाहिए क्योंकि उस सेम उसे नाम का एक मानस आ जाता कभी फिर ऊपर ऊपर ले जा आप ना डर लग गए हैं ठीक है। और तो भाई मतलब बकचोद ज़्यादा है यार क्या बताऊँ मतलब ऐसा है हम समाप्त करते कॉमेडी को आप एक सीरियस एक टॉपिक के मैं मैसेज दे दूँ भाई प्यार करो अच्छी बात है पर लेकिन प्यार में लेवल नहीं होता कभी भी कि सामने वाला अमीर है गरीब है या आप उसके सामने अमीर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करोगे प्यार बढ़ जाओगा जो हो वो हो जनमन रखो जो भी रखना है छोरी की टेंशन ना लो छोरी चुटकी का खेला जब भी सेट हो जाए जिसका ना होती मेरे पर ले लियो।